महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावन परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके कदमों में आते हूँ आज के इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, क्योंकि ये आपका दिन है, आपकी विजय का दिन है, आपके मुर्दों में से जी उठने का दिन है, हम सबके उद्धार का दिन है, जो पिता परमेश्वर आपने हम सबको दिया कि इस छठे महीने के 18वें दिन तेरे भवन में आकर के तेरी आराधना कर सकें। बीते दिनों में अब तक आज के दिन तक हर मौसम में, हर समय, हर हालात, हर बात में आपने हमारी रक्षा की, हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हुए अपने आप को आज के इस समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को आपके पदों में लाती है, प्रार्थना सुने और स्वीकार करें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। आज का सुसमाचार पाठ जो पढ़ा गया है वो मत्ती रच सुसमाचार में से पढ़ा गया है, और मत्ती रच सुसमाचार जो है प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। मत्ती रच सुसमाचार को जब आप आरंभ करते हैं तो पहले ही अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली है, और इन चारों ही सुसमाचार लेखकों ने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। यदि आप यूहन्ना को देखेंगे तो यूहन्ना की सुसमाचार जो है इन तीन सुसमाचारों से बिल्कुल अलग है, एक धमाके के साथ शुरुआत होती है यूहन्ना के सुसमाचार की, और उसका शुरुआत ही होता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और जब हम मरकुस की इंजील पढ़ते हैं तो सबसे पहली सुसमाचार है जो लिखा गया है, इसी का जो सोर्सेस है जो बाकी सुसमाचारों में अधिक से इस्तेमाल हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र के तौर पर प्रस्तुत करता है। और जब हम लूका रच सुसमाचार पढ़ते हैं, लूका रच सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और लूका जो है एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सुसमाचार पिंजीन को लिखता है, और हर चीज को बड़े सिस्टम के साथ उसने लिखा, और प्रभु यीशु मसीह को से आरंभ करके लूका रच सुसमाचार को वो आगे आदम तक, और आदम को परमेश्वर का पुत्र के तौर पर कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जब हम मत्ती रच सुसमाचार में आते हैं, मत्ती रच सुसमाचार ये अब्राहम से शुरू होता है, आरंभ में आप पढ़ते हैं अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली जब उसका सुसमाचार, और पहली आयत से हम अब्राहम से आरंभ करते हुए आखिरी आयत तक करते हैं यीशु मसीह का। पहली 16 आयत में जब पढ़ते हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह की वंशावली है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक सूचना है, इंट्रोडक्शन है, प्रभु यीशु मसीह के पूरे उस आरंभ से कहां से शुरू होता है। और 17 वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाइबल है तो आप निकाल के देखिए, 17 वचन में लिखा है अब्राहम से दाऊद तक, और दाऊद से बाबल की बंधुआई तक, और बाबल की बंधुआई से प्रभु यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी। अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, और दाऊद से बाबुल की बंधुआई तक 14 पीढ़ी, और बाबुल की बंधुआई से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी। और ये टोटल जो है मत्ती ने 42 वंशावली का जिक्र किया गया है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को एक राजा प्रस्तुत करने के लिए। अब्राहम से दाऊद तक जब हम 14 पीढ़ी को पढ़ते हैं, ये एक आयत के बीच में तीन हम जो है अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अब्राहम, दाऊद और फिर बाबुल और फिर यीशु मसीह, और इसके बीच में इसराइल का पूरा इतिहास पाया जाता है।
अब्राहम से जो सिंगल व्यक्ति था, जिसके पास कोई संतान नहीं थी, जो एक तरीके से बांझ पुरुष था, स्त्री थी, परमेश्वर ने एक जाति का आरंभ किया। और जब तक वो आगे वो बढ़ते जाते हैं, एक के बाद एक जाति बढ़ती है। तो जब हम दौद पर आते हैं, तो दौद के समय वो एक वंश एक परिवार से जो जाति शुरू होती है, एक बहुत बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो जाती है। दौद के समय में परमेश्वर ने इसराइल को बहुत फैलाया, बहुत बड़ा इसराइल का घराना और एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। और यहां देखते हैं एक परिवार से बढ़ता है, फैलता जाता है और लगभग पूरे इलाके में अमाली की जबूसी प्रेसी सुदूर की तरह तरह के जो लोग हैं उन जातियों को अपने गुलाम बनाता हुआ एक इसराइल का बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हो जाता है दौद के दौर तक। और दौद के बाद हम देखते धीरे 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 जो फिर गिरावट शुरू हो जाती है। आप पहले उसी परिवार में देखेंगे तो परिवार के बीच में दौद के परिवार के बीच में जो फिर का हो जाता है, धीरे धीरे गिरावट होती है। और हालात ये होते हैं कि जो बहुत बड़ा साम्राज्य था वो अब बंधुआई में चला गया, बाबुल की बंधुआई, असीरिया की बंधुआई और तरह तरह से लोग आते, दूसरे राज आते हैं और इनको बंधुआ बना के अपने अपने देशों में लेके जाते हैं। एक परिवार से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया और उसमें गिरावट आई और वो बंधुआई में चला। जो इतने बड़े वाचाओं के साथ, प्रतीकियों के साथ जाति का आरंभ होता है, वो अब दूसरों की गुलाम बन जाती है। लेकिन परमेश्वर ने इस जाति को छोड़ा नहीं है, उसी के लिए एक उद्धारकर्ता का प्रबंध किया है। और बाबुल की बनवाई तो अगली 14 पीढ़ी में है, फिर परमेश्वर उसकी आशा को टूटने नहीं देता और उनके लिए उद्धारकर्ता अर्थात प्रभु यीशु मसीह को भेजता है, जो उनको फिर से रेस्टोर करता है, फिर से उनको परमेश्वर के साथ मिलाने का एक जो है व्यवसायी का कार्य करता है। पहले अध्याय में आप देखेंगे और 17 वचन खास करके एक वचन के बीच में बहुत बड़ी इतिहास है। 18 वचन से 25 वचन पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मरियम और यूसुफ की मंगनी के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय में हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म, वो तमाम नेटिविटी चीजें वो जो हम क्रिसमस के समय करते हैं। तीसरा अध्याय जब आता है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिरकाई है और प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। चौथे अध्याय में जब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की तैयारी का समय है, बच्चों में लिखा वो आत्मा की अगुवाई में जब उसका बपतिस्मा होता है और वो 40 दिन 40 रात जन्म में रहा, तैयार किया अपने आप को शैतान शरीर तमाम संसारी अभिलाषों के ऊपर विजय पा करके उस सेवा में आते हैं। और पांचवा अध्याय जो आज का हमारा जो वचन है गॉस्पल में से पढ़ा गया, पांचवें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा को आरंभ करता है, अपनी शिक्षा को आरंभ करता है और आठ बातें मुख बताता है। धन्य है वे जो दीन हैं, जो शोक करते हैं, जो नम्र हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो मेल मिलाप कराते हैं, जो मन के शुद्ध हैं। धन्य है वे जो सताए जाते हैं। और इस प्रकार इन आठ चीजों को जो है प्रभु यीशु जैसे हम धन्यवाद कहते हैं, प्रभु यीशु उसी को सिखाते हैं। और जब मन की शुद्धता मेल मिलाप कराने की बातों की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज किया जाता है। आगे हम 13-16 वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारी रोजमर्रा की दो चीजों के ऊपर जोर देते हैं, तुम पृथ्वी का नमक हो और तुम पृथ्वी जगत की ज्योति हो। अभी जो नमक का क्या क्या कार्य है, मुख्य मुख्य बातों में देखें तो नमक टेस्ट क्रिएट करता है, स्वाद बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है। एक सब्जी बिना नमक के उसका कोई टेस्ट नहीं होता, खाई नहीं जाती।
और ये मेडिसिन का काम करता है, सर निकलने से बचाता है, और ज्योति जो है ये प्रकाशन करती, ज्ञान देती, अगुवाई करती, मार्गदर्शन करती है, छिपी हुई बातों को बताती है। और एक मसीह होने के नाते प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, अपने लोगों से कहते हैं, तुम जब तुम पृथ्वी का नमक हो, एक मसीह एक विश्वासी होने के नाते हमारा काम कि हम दुनिया के बेस्वाद जीवनों में स्वाद लेके आए, एक टेस्ट करें, और फिर हम तुमको सड़ने गलने से बचाएं, एक मेडिसिन का हम काम करें ताकि वो स्वस्थ आत्मिक तौर पर वो तंदुरुस्त पाए जाए, आत्मिक तौर पर हम उनका मार्गदर्शन करें ताकि वो तमाम पाप और उसके अंधकार से छुड़ाए जा करके वो अलग प्रभु की आराधना करने वाले बन सके। और ऐसी जब परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह उनके सामने लाती, इस प्रकार की जब प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को फिर चैलेंज किया जाता है। आगे जैसे हम सुसमाचार को पढ़ते हैं चारों को, तो प्रभु यीशु मसीह का अलग अलग समय पर विरोध किया जाता है। ये मूसा की व्यवस्था के खिलाफ है, ये सबद की व्यवस्था के खिलाफ है, ये नबियों की जो है नबूतों के खिलाफ है, ये सब वर्टिकल लॉ पर तोड़ देता है, ये मूसा की व्यवस्था को मानता नहीं है। और 17वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को जवाब देते हैं, ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था और नबियों की पुस्तक को लोप करने के लिए आया, लोप करने नहीं बल्कि पूरा करने। I have not come to abolish the law, but to fulfill it. और ये बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि तुम्हारी अभी जो ट्रेडिशन है, ये अभी तक जो है मिलावटों से भरी हुई है। तुमने परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के सुसमाचार में मिलावट डालती है। तुम जो है बाहरी दिखावे के ऊपर बहुत ध्यान देते हो, तुम्हारी तमाम धार्मिकता जो है ये बाहरी है, दिखावटी है, दुनिया के लिए है, अंदर से नहीं। 20वां वचन आप पढ़ेंगे तो 20वां वचन में कहता है, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों, सदूकियों, शास्त्रियों, शिक्षकों से बढ़कर नहीं है, तो तुम परमेश्वर के राज में किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं कर सकते। तो प्रभु जब इस प्रकार से कहते हैं कि हमारी धार्मिकता फरीसियों से, शास्त्रियों से, उन व्यवस्थापकों से बढ़कर होनी है, तो प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी को चैलेंज करके, प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग प्रकार से वो चैलेंज करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनको फिर बोलते हैं, 21वां वचन देखिए यहां लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हत्या ना करना। 22वां वचन देखिए, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, तुम सुन चुके हो। और यहां जो है प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम की बातों को कहता है, पहले मूसा ने उनको जो व्यवस्था दी, नबियों ने कहा, परमेश्वर का ये वचन है, और तुम सुन चुके हो। ये जो रबी होते थे, व्यवस्था के जो शिक्षक होते थे, ये इन लोगों को जो है सीखने का, सिखाने का, व्यवस्था का पालन करने का जिम्मेवारी थी, लेकिन इन्होंने जो है लोगों तक जो परमेश्वर का वचन नहीं दिया। पहली सदी से लेकर 16वीं सदी तक बाइबल लैटिन भाषा में थी, और लैटिन भाषा में पढ़ते थे, लैटिन भाषा में उसको आगे एक्सप्लेन किया जाता, लोगों को जो बताया जाता था लोग वही जो है सुन के उसी को मान लेते थे, और इस प्रकार जो है मिलावट के ऊपर मिलावट, मिलावट के ऊपर मिलावट, और सिर्फ और सिर्फ बाहरी दिखावटी बातों के ऊपर ही बात होती थी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो, ये कहा गया था कि हत्या ना करना, तुम बाहरी कामों के ऊपर जो है ध्यान देते हो, लेकिन प्रभु जो है अंदर की बातों को देखता। मनुष्य जो है बाहरी चीजों को देखता, मेरे पहनावे को देखता, कहेंगे कि ये पासवान है, ये एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है,
ये एक अच्छी जीवन व्यतीत करने वाला हो सकता है, लेकिन अंदर अंदर कोई नहीं जानता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको बड़े साफ स्पष्ट तरीके से बोला कि तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। बाहर तो बहुत साफ सफेद हो, अंदर क्या है? गली सड़ी हुई हड्डियां है, बदबू देने वाली हड्डियों की तरह। और प्रभु कहता है तुम सुन चुके हो कि ये कहा गया था कि हत्या ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुमने अपने भाई के ऊपर क्रोध ही कर लिया, यदि उसको निकम्मा ही कह दिया, यदि उसे बेवकूफ ही कह दिया, तुम पर दंड आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते कि कामों तक ही सीमित नहीं रहते। यदि मन में सोच भी लिया, यदि मन में ये विचार भी आ गया है किसी की बुराई का, किसी के ऊपर गुस्सा करने का, तो हमने उसको करने के बराबर कर दिया। हम वहां देखते कुछ ने कुछ कर दिया, लेकिन सोचा क्या है ये कभी किसी ने देखा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की प्रारंभिक शिक्षाओं में मत्ती 5 और उसके 8 वचन में कहा गया है, धन्य वे जो मन के धन्य है, वे जो मन के शुद्ध है। प्रभु यीशु मसीह जो है मन की शुद्धता, जो जीवन की शुद्धता के ऊपर जो है जोर देते हैं। हमें अंदर और बाहर से एक होना, हमें बाहर से दिखावटी नहीं होना, दुनिया को नहीं दिखाना, बल्कि हमारा जो कोई भी काम है, जो कुछ भी प्रयास है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए। फिलिपियों की पत्री का लेखक कहता है जो कुछ भी करते हो दिल से करो, मनुष्य के दिखाने के लिए बल्कि परमेश्वर को दिखाने के लिए। पौलुस ने कहा है गलतियों की पत्री पहले देखे 10 में दिया गया, यदि मैं मनुष्य को खुश करता तो परमेश्वर का दास ना होता। तो हम सब जो भी है, हम मनुष्य को खुश करने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा तमाम पूरा प्रयास, पूरी आराधना, सब कुछ प्रभु को खुश करने। और ये हमें मन की शुद्धता, मन की पवित्रता हर तरीके से करता। आप आगे देखिए जैसे जैसे मत्ती की इंजील आगे बढ़ती है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर हम विचार करते हैं, या प्रभु एक एक चीज के ऊपर लाता है, आंख के ऊपर, तुम्हारी आंख का दिया, तुम्हारे शरीर का दिया आंख का, और यदि तुम्हारी आंख निर्मल है तो तुम सारे के सारे पुजारे हो, यदि इसी में दे रहा। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारी रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर, हमारी उन तमाम बातों के ऊपर जो हम जो है रोज जिनके ऊपर हमारी चर्चा होती है, जिनको हम देखते हैं, जिनके साथ हमारा व्यवहार होता है, उन चीजों के ऊपर आराम करके प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हैं। दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं व्यभिचार के ऊपर, वचन पढ़ेंगे 27, यहां लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना कर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री का कुदृष्टि डाले वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। यहां फिर जो है उन तमाम चीजों को जो कई की जाती थी, है ना, जिसका हम आज भी समाज में, आज में हम जब हो जाती थी तब हम किसी को ऊपर बोलते। तो प्रभु यीशु मसीह कहते कि इससे पहले कि तुम काम करो, जब तुमने वो बात तुम्हारे दिमाग में आ गई थी, तुम्हारी सोच में आ गई थी, तुम वो काम कर चुके हो। तो हमें क्या है, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा मन, हमारी बोलचाल, हमारी आंखें तमाम निर्भर। बाय द वे मैं आपको अलग से बात बताना चाहता हूँ, हम पाप करते कैसे, है ना। मैं पता नहीं आपकी क्या ट्रेडिशन है, मैं जब कन्फर्मेशन क्लास लेता हूँ और उस बीच में मैं पाप के बारे में बताता हूँ। पाप दो तरीके के होते हैं, मैं पहले पूछता हूँ बच्चों से पाप कितने हैं, कितने प्रकार के, तो बच्चे उसकी लिस्ट बताते हैं, चोरी न करना, झूठ न बोलना, वो ये ऐसे है। तो पाप दो प्रकार के होते हैं, पहला ओरिजिनल सिंस, ओरिजिनल सिंस क्या बोलेंगे, जो शुरू में आरंभिक पैदाइशी पाप,
और दूसरा कमिटेड सिन जो हम कहते हैं। प्रभु यीशु से जहाँ कमिटेड सिन की बात कर, जब कमिटेड सिन है वो कैसे होते हैं? देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा और फिर करने के द्वारा। और प्रभु यीशु से हमारे इन पांचों ही अंगों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए बोले। तो यीशु के पत्र में अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को काट डालो जो पृथ्वी पर पाप करते, उसमें कैटेगरी लिखी हुई है। आप कुलुसियों 3:12-13 उसमें देखेंगे तो वो लिस्ट पाई जाती है। कुलुसियों 3:8 में उन पापों के बारे में बताया गया जिनको हमने, जिनके ऊपर अंकुश लगाना, जिनको काट डाला ताकि हम पाप ना करें। तो प्रभु यीशु से कहते हैं कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि तुमने मन में सोच लिया। बहुत बार हम किसी को करेक्टलेस सब कहते हैं, जब किसी का किसी के साथ कोई ऐसा संबंध बन जाता है, शादी के बाद की जिक्र होकर के आउट ऑफ द मैरिज कवेनेंट जब किसी का रिलेशन बन जाता है तो हम उसको व्यभिचार कहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम चलते फिरते, उठते बैठते, सफर करते, बसों में, गाड़ियों में, ट्रेन में, कई जगहों पर, सामाजिक जगहों पर, हम कितने लोगों को जो हमारे अपोजिट सेक्स के मेल है या फीमेल है, कितने लोगों के बारे में हमारी कितनी बार व्यभिचार की भावना आती है। बहुत सालों पहले जब मैं अब चर्च ऑफ सीएनए में नहीं आया था तो मैं अपने पासवान को ये कहते हुए सुना, कल मेरे से व्यभिचार हो गया पास्टर, कल मेरे से पाप को मैंने व्यभिचार किया। और सारी की सारी कॉन्ग्रीगेशन एकदम से चौंकनी होगी, क्या कह दिया ना, कल मैंने व्यभिचार किया। और आगे एक्सप्लेन क्या कर रहे मेरे लिए प्रेयर करना, एक्सप्लेन क्या किया कि पहले जमाने आप देखिए 1870s में क्या होता था, लोग पानी पिलाते थे, हम ऐसे पीते थे राइट, और हमारे बाहर जो है कॉमन टूटियाँ लगी होती थी जहाँ से मटकों में पानी भरा जाता था और आते जाते हम पी लेते थे, मांग लेते थे। कहते एक बहन ने, एक बहन से मैंने पानी पीने के लिए कहा और जैसे मुझे पानी पिलाने लगी मैंने उसको देखा, बहुत सुंदर थी, तो मेरे दिल में बात आ गई। मतलब कि हम जब ऐसा सोच भी लेते हैं कि सुंदर है, कि देखना कोई गलत बात नहीं, परमेश्वर में देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए कि हमें आगे नहीं है, देखना और उसके बाद प्रभु की महिमा करना, देखना और प्रभु की जो है उसके द्वारा स्तुति करना, देखना और किसी को अप्रिशिएट करना गलत बात नहीं, देखना गलत बात नहीं है जब हम गलत नजरिए से देखते हैं, गलत नजरिए से संबंध बना लेते हैं तो वो पाप हो जाता है। किसी के साथ मिलना, किसी के साथ जो है संबंध बनाना, दोस्ती करना, ये गलत बात नहीं, दोस्ती का मतलब भी गलत नहीं लेना, ये गलत नहीं है। लेकिन जब उसकी भावना गलत हो जाती है, जब सोच गलत हो जाती है तो अपने आप ही ये व्यभिचार में बह जाती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुमने ऐसे ऐसे सोचा, तुम ऐसे प्रीच करते हो, लेकिन जब सोच ही लेते मन में ही ये चीजें आ जाती है तो समझ लो तुमने कर लिया। और फिर हम आगे पढ़ते हैं 31 में ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो वह उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी के व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे वह उससे व्यभिचार करवाता है। देखिए प्रभु यीशु से जब पूछते हैं कि क्या मनुष्य अपनी पत्नी को डाइवर्स दे सकता है, और प्रभु यीशु से उनको कहा मूसा ने क्या कहा, तो कहते मूसा ने तो डाइवोर्स करने के लिए कहा। तो प्रभु क्या कहते हैं, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण ये कहा गया, परंतु एक ही वजह वो है एडल्ट्री, वो है अगर ये चीज है तो हम पति पत्नी अलग हो सकते हैं। बहुत बार तो फैशन हो गया है, जमाना बदल गया है, हमारी नहीं बनी,
सोचने पे नहीं, हम जो है अल्लाह को भूल जाते हैं। एकदम से बड़ी आसान सी बात है, डाइवर्स कर देना। तो प्रभु का क्या स्टैंडर्ड है, एक ही बात है, व्यभिचार को छोड़ करके हम किसी को तो डाइवर्स नहीं दे सकते। 33 वर्ष में देखिए, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी गवाही ना देना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कभी शब्द ना कहना, ना स्वर्ग की ना, क्योंकि वह परमेश्वर की आसन है, ना पृथ्वी की क्योंकि वह उसके पौधी चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है, ना अपने सिर की शब्द खाना क्योंकि तू तो अपने एक बाल को भी उजला जा काला नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारी हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना होनी चाहिए, और इसके अलावा जो कुछ है वो सब कुछ हमें अपनी बात का पूरा पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए अपनी बात की वैल्यू का पता होना चाहिए। बहुत बार हम जो है ऐसे ही भावना में आकर, बहुत बार हम ऐसे ही जो है बातें कर जाते हैं, बातें कर देते हैं, लेकिन प्रभु कहता हाँ की जगह ना की जगह ना, और उसके बीच में यदि कोई दूसरी बात आ जाती है तो वो सारा पाप की वजह से। इसलिए परमेश्वर से उनको मन की दिल की अंदर की बातों के ऊपर ला रहा कि तुम सुन चुके हो कहा जाता था, बाहरी चीजों के ऊपर, बाहरी पहनावे, बाहरी तमाम चीजों के ऊपर जो है तुम बातचीत करते, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि हमें अपने मन को, अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंतरात्मा को, अपनी अंदरूनी आंखों को, अपने अंदर की सोच को पवित्र करना शुरू करना। और ये इसलिए कहता कि जब तक ये नहीं होगा, अभी क्या है कि जो धार्मिक अग्नि थे वो इन तमाम चीजों को सिखाते थे, लेकिन वो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करते, वो दूसरों के ऊपर बोझ डाल देते थे, परंतु अपने जीवन में उनके कुछ नहीं था। इसलिए प्रभु ने कई बार उनको जो है कई जगहों पर उनको जो है ताड़ना दी, तुम चूना फिर भी कब्रों की तरह, तुम लोगों के ऊपर बोझ डाल देते हो, तुम साग को देने का को दशमांश देते हो, और इस तरह की बहुत सारी बातों का ही तुम सच्चाई से है किसी को तुम जो है परमेश्वर के राज में लाने के लिए पहले तो बहुत जी, बाद में उसका इतना बुरा हाल कर दे तो बाद से भी बदतर हो जाता। तो परमेश्वर से आखिर में एक ही चीज के ऊपर जोर दे रहा है, जो बीसवां वचन है, तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए ताकि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकें। आइए प्रार्थना करें। जय प्रभु शक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके कदमों में आपने आपका शुक्र करते हैं। तूने पिता परमेश्वर थोड़े से समय में तेरे वचनों के ऊपर मनन करने का प्रभु हमें ये मौका दिया। हम अपने अपने घरों में प्रभु इस वचन के ऊपर और पढ़े, इसको सोचे, मनन करें और सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से, गहराई से आपके वचनों का अनुसरण कर सकें। इस प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।